वेलकम टू द लास्ट सेशन ऑफ द वीडियो वेयर विल बी लुकिंग फॉर सम सम्स। अभी ये पर्टिकुलर टॉपिक के सम्स इतने टफ नहीं है जितने सर्कुलर एंड रोटेशनल केस थे। सो इनफैक्ट दीज सम्स आर वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट। तो कुछ सम्स जो मेरे को टफ लगे, थोड़े से ट्रिकी लगे, वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। बाकी सारे सम तुमको होमवर्क में सॉल्व करने। द फर्स्ट वन इज़ MCQ। टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेड आई 0.3 सेंटीमीटर एंड 0.6 सेंटीमीटर। सो दे हैव गिवन R1 टू बी 0.3 सेंटीमीटर एंड R2 टू बी 0.6 सेंटीमीटर आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। द रेशियो ऑफ द हाइट थ्रू विच द लिक्विड विल राइज इन दिस ट्यूब। तो ट्यूब भी सेम है, मतलब ट्यूब डिफरेंट है और हाइट पूछा है, मतलब रेशियो ऑफ हाइट। सो दैट इज H1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बराबर ना, ये चीज़ हमें यहाँ पे पूछी गई है। तो H1 बाई H2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैसे निकाले ये पर्टिकुलर चीज़ को, तो उसके लिए हमें याद रखना है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था? वी नो H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। नाउ कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स टू बी कॉन्स्टेंट, बिकॉज फ्लूइड सेम है, थीटा सेम है, सारी चीज़ें सेम है, यू कैन से दैट H इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R। एंड सिंस H इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू R, देयरफॉर H1 बाई H2 विल बी इक्वल टू R2 बाई R1, राइट? सो R2 कितना है? 0.6 डिवाइडेड बाई 0.3। सो वंस यू सॉल्व इट यू गेट H1 बाई H2 एज 2:1। देखो ना, क्योंकि ऊपर 0.3 वन जा 0.2 जा, सो दिस इज करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10^-2 मीटर स्क्वेयर। सो लेट पुट डेटा। सो लेट से गिवन में क्या क्या दिया है अपने को, हॉरिजॉन्टल फोर्स है 1 न्यूटन का, देन नीचे लिख लेते हैं। सो इन गिवन डेटा वी हैव हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, ओके। देन एरिया दिया है, एरिया इज 10^-2 मीटर स्क्वायर। फिर वेलोसिटी दी है, दैट इज कितना दिया है वेलोसिटी, देखो 2×10^-2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन इट रेस्ट ऑन द लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ ऑयल 1.5×10^-m मीटर थिक। तो ये डिस्टेंस होता है ऑयल का, या फिर ऑयल के गैप है ना, उसका वैल्यू है, तो इसको हम लोग bx लिखेंगे। सो इट इज़ 1.5×10^-3 मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा, अभी न्यूटन का लॉ याद है, न्यूटन ने क्या बोला था, F इज इक्वल टू ईटा, दैट इज़ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, A×dv/dx। तो ये तेरा dv का वैल्यू हुआ। तो सारे डेटा तो तेरे पास अवेलेबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। F का वैल्यू कितना होता है, मुझे ईटा निकालना है ना, राइट? सो ईटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, दिस हैज बीन आस्क। नाउ लेट्स सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो F इज 1 न्यूटन, ईटा आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, एरिया इज × 10^-2, V इज 2×10^-2, एंड dx इज 1.5×10^-3। सो वॉट आई कैन डू इज दैट 10^-2, 10^-2, 10^-4 होता है, बराबर? फिर ये 10^-3 ऊपर जाके 10^+3 हो जाएगा। सो आई गेट 1 = ईटा × 10^-4 × 10^+3 × 2 / 1.5 कैन बी रिटर्न एज 3/2, ओके। सो बेसिकली ये कैलकुलेशन हो गया। अभी देखो ध्यान से, 10^-1 10^+3 होता है 10^-1, बट ये 10^-1 कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ये साइड में आके नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो रहा था 3/2, अभी ये 3/2 ऊपर आ गया, उधर वो मल्टीप्लाई को था, इधर डिवाइड को हो गया, और कुछ बचा है नहीं। सो नाउ लेट्स मॉडिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। सो यू कैन राइट ईटा एज 3, 10^-1 ऊपर जा सकता है, सो 3/4×10, सो इट इज़ 30/4, एंड 30/4 विल बी, या फिर यू कैन राइट इट एज 15/2, या
एन 15/2 इज 7.5, सो मिल गया ईटा का वैल्यू क्या मिला 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। सो इसको पूरा शिफ्ट कर देते हैं ताकि मैं यूनिट लिख सकूँ, बिकॉज राइटिंग यूनिट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट राइट यूनिट यू वॉन्ट गेट मार्क्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ वॉट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो आउट ऑफ एन ओरिफिस इन अ टैंक, ओके विथ गेज प्रेशर। अभी ये गेज प्रेशर बोला है, गेज प्रेशर मतलब क्या होता है, इट इज़ P1 - P2। तो P1 - P2 का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने, लेट मी राइट गिवन। सो P1 - P2 इज गिवन एज 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ओके। देन बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, सो रो इज इक्वल टू 1000 kg/m³। और एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दी है उन्होंने, देखो क्या बोला है, विथ वॉट वेलोसिटी डज द वाटर फ्लो आउट ऑफ द ओरिफिस, मतलब तुम लोग को V2 निकालना है, बट V1 का क्या बोला है, तो बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स ना, तो दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू 0 m/s, क्योंकि फ्लो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगा उसका, 0। सो अभी देखो हम लोगों ने वेंचुरीमीटर के टर्म में ऐसे नोजल, जो भी वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला आया वो नोजल में अप्लाई होता है, तो वो फॉर्मूला क्या था, अच्छा नोजल क्या होता है, अभी ये कन्फ्यूज़ हो जाओगे। नोजल मतलब जैसे वेंचुरीमीटर है ना, उसका आधा सेक्शन मतलब नोजल होता है, ओके। तो नोजल कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो नोजल यूज़ करते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे तुम लोग को फास्ट फ्लूइड चाहिए या फिर इम्पैक्ट में ज़्यादा फास्ट फ्लूइड चाहिए, जैसे कि फायर ब्रिगेड में जो पाइप्स होते हैं ना उसके एंड में नोजल होता है। देन अभी फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो डू यू रिमेंबर फ्रॉम दैट वेंचुरीमीटर फार्मूला दैट V2² - V1² इज इक्वल टू 2GH। सो यू कैन डायरेक्टली से दैट V2² - 0 इज इक्वल टू 2GH, बट द इशू इज दैट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ H ओवर हियर, बट वी ऑल्सो नो समथिंग लाइक दिस, दैट इज P1 - P2 इज इक्वल टू ρGH। दिस इज द गेज प्रेशर वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट। सो P1 - P2 कितना होता है, ρGH। अभी वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³, जी का वैल्यू 10, एच P1 - P2 दिया है, कितना दिया है 4 × 10⁵, दिस इज 4 × 10⁵, देयरफॉर एच विल बी इक्वल टू 10⁴ आ जाएगा, एक वो कट हो जाएगा, वी गेट 40 m। लेट्स पुट 40 m ओवर हियर, सो वी गेट V2² इज इक्वल टू 2 × 10 × 40, सो V2² विल बी इक्वल टू, दैट इज 400 × 2 = 800। सो इफ आई टेक स्क्वेयर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू आई गेट माई फाइनल आंसर टू बी एग्जैक्ट, दैट इज 28.28 m/s। चाहिए तो कैलकुलेट कर लेना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.1 mm कोलेसेस इनटू सिंगल ड्रॉप। मतलब हुआ क्या कि मेरे पास ऐसे 27 ड्रॉपलेट्स थे, ऐसे छोटे छोटे छोटे, कितने थे 27, और ये 27 ड्रॉपलेट्स किस में कोलेसेस हो रहे हैं, एक सिंगल बड़े ड्रॉपलेट में कोलेसेस मतलब कंबाइन हो रहे हैं, ओके। फाइंड अ चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो मुझे क्या निकालने का है, मुझे निकालना है चेंज इन सरफेस एनर्जी, ओके। सो मुझे DW निकालना है, बेसिकली DW निकालना है, जब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना दिया है सरफेस टेंशन 0.072 न्यूटन पर मीटर। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू डू गाइस, तो पहली बात तो चाहे वो 27 हो या चाहे वो मिलियन हो, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो 27 से ही तो बड़ा ड्रॉपलेट बना है ना। सो यू कैन राइट लाइक दिस, V1 इज इक्वल टू V2। अभी छोटे ड्रॉपलेट कितने थे, 27 थे, सो यू कैन राइट 27 × 4/3 π · r³। मैंने छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस क्या लिया, स्मॉल r, सो लेट स्मॉल r बी रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, एंड बिग r तो समझ जाएगा तुम लोग को बड़े ड्रॉप का है, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4/3 π r³, बड़े ड्रॉप के रेडियस में, बराबर ना। यहाँ पे 27 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 27 ड्रॉप्स है ना टोटल, 27 है, यहाँ पे सिंगल है, सो कौन सी चीज़ कैंसिल होती है, 4/3 π 4/3 π कैंसिल हो गया, बराबर ना। सो यू गेट समथिंग लाइक दिस, यू गेट 27 r³ इज इक्वल टू
बिगाड़ के। नाउ कैन आई टेक स्क्वायर रूट? अच्छा, और एक डेटा दिया है अपने को, रेडियस दिया है ना, किसका दिया है? छोटे ड्रॉपलेट का रेडियस दिया है, दैट इज 0.1 mm, और 0.1 × 10⁻³ मीटर, और यू कैन राइट इट एज 10⁻⁴ मीटर। कन्वर्ट किया मैंने इसको। सो नाउ लेट्स टेक क्यूब रूट। सो क्यूब रूट लेने के बाद यू कैन राइट 3r = r, क्यूब रूट लिया यहाँ पे, बराबर। सो नाउ यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, 10⁻⁴, है ना। कैन आई पुट इट ओवर हियर? सो आई गेट वैल्यू ऑफ बिग आर। सो देयर फॉर बिग आर विल बी 3 × 10⁻⁴ मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पे निकाली। अब इसका फ़ायदा क्या है? तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला तुम लोग को याद है क्या था? इट वॉज t × dA, बट मुझे पहले dA निकालना पड़ेगा, दैट इज चेंज इन एरिया। सो dA विल बी a लार्ज माइनस a स्मॉल। अच्छा, अभी मुझे बताओ कि 27 ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया बड़ा होगा कि एक ड्रॉपलेट का सरफेस एरिया बड़ा होगा? तो आंसर है 27, क्योंकि 27 ड्रॉपलेट अगर तुम लोग देखोगे और इसके अंदर बिठाने के लिए जाओगे ना, तो देखो अगर ये तुम लोग एक कंसिडर करते हो ना, तो सिर्फ उसका आउटर एरिया कंसिडर होता है, बट जब मैं 27 की बात करता हूँ तो ये एरिया तो आया, बट साथ ही साथ ये एडिशनल एरिया भी आता है ना, जैसे कि ये 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 ये। तो एट द एंड अगर तुम लोग कंपेयर करने जाओ ना, तो जो 27 ड्रॉपलेट है उनका एरिया हमेशा ज़्यादा आएगा। सो दैट्स वाई जो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा, दैट वुड बी 27, व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर? 4πr². सो दैट्स वाई वी गेट 4πr² माइनस 4π × bR². सो एक बात बताओ, dA का वैल्यू क्या हो जाएगा? 27 × 4 × π × r का वैल्यू निकाला था ना अभी हम लोगों ने, कितना आया था स्मॉल r का? दिया है एक्चुअली 10⁻⁴। सो 10⁻⁴ का स्क्वायर माइनस 4π × 3×10, बड़े r का वैल्यू पुट किया मैंने स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे dA मिल जाएगा। लेट मी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑन कैलकुलेटर। सो 27 × इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक 4π कॉमन ऑल्सो, देर इज़ नो इशू विद दैट। मीन्स यू कैन बेसिकली सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन हाउ एवर यू वॉन्ट। सो आई गेट चेंज इन एरिया एज वेरी 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 लेस। नाउ आई डाउट मेरा आंसर राइट आएगा कि नहीं, बट विल सी। दिस कम्स आउट टू बी 2.261 × 10⁻⁶ m². ये dA आया, अभी dW निकालना है। सो dW इज इक्वल टू t × dA। ओके, सो लेट्स पुट dW का वैल्यू, एंड dW कितना है अपना, t कितना है? t इज 0.072, राइट। सो t इज 0.072 × dA का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज 2.261 × 10⁻⁶। एज आई सेड वैल्यू में प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, तो 10⁻⁶। सो आंसर कम्स आउट टू बी 1.6, वही आ रहा है आंसर, बट पावर्स में प्रॉब्लम हो रहा है। लेट मी चेक अबाउट पावर्स अगेन। रेडियस इज 0.1 mm, सो 10⁻⁴ मीटर राइट है, ये भी राइट है। ओके, 4πr², 10⁻⁴ का स्क्वायर मतलब 10⁻⁸ होगा। ठीक है, राइट है गाइज अपना। सो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आता है पता है? आंसर कुछ ऐसे आता है। सो वी गेट dW एज 1.627 × 10⁻⁷ जूल्स। ओके, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी, राइट, उनके इनका पावर अलग आया है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस 0.2 cm इज ब्रोकन into 8 ड्रॉपलेट्स। तो अभी जो मुझे दिया है वो बड़ा ड्रॉपलेट है मर्क्यूरी का, और उसको हम लोग छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं।
सेम टाइप है, सेम सम है, मुझे वर्क डन निकालना है सरफेस टेंशन दिया है तो अभी मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ जो मुझे दी है गिवन में। देखो क्या दिया है, तो मुझे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स 8 दिए है, बिगार दिया है 0.2 सेंटीमीटर, सो दैट इज़ 0.2 × 10⁻²⁻² मीटर, और यू कैन राइट इट एज 2 × 10⁻³ मीटर, है ना, इज़ ब्रोकन इंटू 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज, फाइंड अ वर्क डन। तो मुझे निकालना है डी डब्ल्यू इफ़ सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी दैट इज़ कैपिटल टी इज़ 435.5। ओ शिट, आई थिंक दिस इज़ वेयर वी वेर रॉन्ग। नहीं बट आंसर तो ना यहाँ पे कुछ तो इशू नहीं है, न्यूटन पर मीटर ही है, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। पक्का ये न्यूटन पर मीटर में दिया है या फिर टेबल में से इन्होंने वैल्यू कुछ गलत कॉपी की है, लेट मी जस्ट वेरीफाई दैट पर्टिकुलर थिंग। वेयर इज सरफेस टेंशन, यस यस दैट इज राइट, नो इशू, देन अपना सम राइट है। तो ये डाइन पर सेंटीमीटर दिया है, तो डाइन पर सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो एक डाइन मतलब कितना होता है, 10⁻⁵ न्यूटन होता है, सो वी गेट 435.5 इंटू 10⁻⁵, और एक सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻²। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूटन पर मीटर में। अभी 10⁻², ऊपर जाके 10⁻+2 हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 435.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। कैलकुलेशन चेक करना ज़रा, मुझे मिलेगा 0.4355 न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, बाकी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। अभी जस्ट लाइक दैट मुझे यहाँ पे डी डब्ल्यू निकालना है, तो प्रोसेस मेरा सेम रहेगा। पहली स्टेप क्या रहेगी, पहली स्टेप रहेगी वॉल्यूम सेम, सो वी वन इज़ इक्वल टू वी टू। अभी यहाँ पे देखो पहला वाला क्या था, 4/3 πr³ इज़ इक्वल टू कितने ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहा है, एन ड्रॉप में, तो दैट इज़ एन 4/3 πr³। ओके सो यू कैन कैंसल 4/3 π, 4/3 π, ओके एंड देन यू कैन टेक क्यूब रूट। तो ऐसे टाइप के सम के लिए ना, जहाँ पे कोलेसेस होता है टू अ सिंगल ड्रॉप, या फिर एक ड्रॉप से बड़े ड्रॉप बनते हैं, ज़्यादा ड्रॉप बनते हैं, हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्यूब रूट लेने के बाद आर विल बी n^3, दोनों साइड क्यूब रूट लिया ना मैंने, सो दिस इज n^3 इंटू स्मॉल आर, तो मिल गया अपने को फॉर्मूला। ईजी था फॉर्मूला ऑब्टेंट करना, डू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अभी क्या करना है, एन का वैल्यू डालना है, एन का वैल्यू क्या था अपना, 8 था, सो यू कैन डायरेक्टली राइट आर इज इक्वल टू 8^1/3 इंटू स्मॉल आर, बट 8^1/3 इज 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये मुझे रिलेशन मिल गया। अभी मुझे बिग आर का वैल्यू पता है, कैन आई फाइंड आउट स्मॉल आर का वैल्यू, क्योंकि बिग आर का वैल्यू 2 × 10⁻³ है ना, सो लेट्स से 2 × 10⁻³ विल बी इक्वल टू 2 × r, देयर फोर स्मॉल आर 2 कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट इट एज 10⁻³ मीटर। अभी स्मॉल आर भी मिल गया मुझे एंड बिग आर भी मेरे पास अवेलेबल है, सो नाउ वॉट आई एम गोइंग टू डू इज दैट आई विल नेक्स्ट फॉर माई नेक्स्ट स्टेप आई विल फाइंड आउट डी ए, सो डी ए विल बी ए लार्ज माइनस ए स्मॉल। ओके सो ए लार्ज इज समथिंग लाइक दिस, विच इज 8 × 4 π स्मॉल आर स्क्वेयर माइनस 4 π बिग आर स्क्वेयर, सो यू कैन टेक 4 π कॉमन एंड यू विल गेट 8 × स्मॉल आर का वैल्यू कितना था, 10⁻³, सो 10⁻³ का स्क्वेयर होता है 10⁻⁶, 4, अच्छा 4 π ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं हम लोग। बिग आर क्या था, 2 × 10⁻³, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶, सो बेसिकली दिस वुड बी 4 π × 10⁻⁶ कॉमन, अंदर बचेगा 8 − 4, 8 − 4 कितना होता है 4, 4 × 4 = 16, 16 π × 10⁻⁶, अरे ये इजी कैलकुलेशन निकला, लास्ट टाइम जितना टफ नहीं है, सो इट इज़ 16 × π × 10⁻⁶, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 5.02 × 10⁻⁵, सो डी ए कम्स आउट टू बी 5.02
सिक्स इंटू 10^-5 मीटर स्क्वायर। तो ये डी ए हो गया। अभी मेरे को डी डब्ल्यू निकालना है। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए, सो दैट इज 0.4, क्या था वैल्यू इसका, 0.4355 इंटू 5.026 इंटू 10^-5। सो 0.4355 इंटू 5.026 इंटू 10^-5। सो द आंसर कम्स आउट टू बी, ओके वेट, आई मेड मिस्टेक इन कैलकुलेशन। ओके आंसर कम्स आउट टू बी 2.188 इंटू 10^-5। देखो यहाँ पे आंसर राइट आया। तो लास्ट स्टेप में उनका आंसर गलत है क्योंकि हम लोगों ने तो सेम प्रोसेस फॉलो किया, राइट। सो इट इज़ 2.188 इंटू 10^-5 जूल। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके लास्ट सम फॉर टुडे सेशन एंड वी विल एंड अवर टॉपिक विद दिस सम। अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 × 2 cm। सो जो तेरा पहला एरिया है, दैट फर्स्ट एरिया A1 इज 2 × 2, तो दैट इज 4 cm². सो इफ आई कन्वर्ट इट इंटू मीटर, इट इज़ 4 × 10^-4 m² इज डीप इन अ सोप सोल्यूशन एंड टेकन आउट। अ सोप फिल्म इज फॉर्म इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 × 3 cm। सो नाउ A2 विल बी 3 × 3, दैट इज 3 × 3 = 9 cm², और यू कैन राइट 9 × 10^-4 m². Calculate the work done in the process. So now what do I want to find out? Work done. So TW is equal to ? Or surface tension kitna diya hai soap ka? So that is 3 × 10^-2 Newton per meter. Now how to solve this particular question? Okay. Now for that particular thing you have to use simply formula like this. DW is equal to T into DA, but don't forget that we are talking about soap film, जो तो ऊपर भी एयर होता है नीचे भी एयर होता है, that's why 2, as air is on both side. तो ये 2 आ गया। अभी values put करते हैं अब हम लोग। So this will be 2 into T का value, T कितना दिया है अपने को 3 × 10^-2। सो 3 × 10^-2 इंटू डी ए इज A2 − A1, सो दैट इज 9 × 10^-4 सब्ट्रैक्टेड बाय 4 × 10^-4। नाउ लेट्स सी, 3 × 2 = 6, 6 × 10^-2 इंटू 10^-4 कॉमन, देन 9 − 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ 6 × 5 = 30 एंड 30 × 10^-6, या फिर यू कैन राइट इट एज 3 × 10^-5, जो उनका आंसर है। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व दिस सम। यू हैव नोटिस दैट कि ये जो सम है वो सारे सम ईजी है, इतने टफ नहीं है। सो ट्राई द रिमेनिंग सम्स ऑन योर ओन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक।